सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज स्वागत करता हूं आप सबका, और इस छोटे से पार्सल की अनबॉक्सिंग की जाएगी। इसमें काफ़ी सारे पार्सल मैंने ऑर्डर किए थे पुराने वीडियोस में, मैं बता चुका हूं आपको। और अभी घर में थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए आपको वो अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड, अलग अलग तरीके की अनबॉक्सिंग देखने को मिल रही है। थोड़े दिनों में ये स्टेबल हो जाएगा, और तब मैं जितने भी मैंने अनबॉक्सिंग्स की हैं, काफ़ी सारी कॉमिक्स आपने देखा है मेरे पास में आई हैं, तो उन सबका मैं डिटेल रिव्यू भी लेकर के आऊँगा। वो सारा मेरे माइंड में है, मैंने हर एक में प्रॉमिस किया था कि जो भी कॉमिक्स मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ उसका अच्छे से डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, काफ़ी सारे काम पेंडिंग है अभी, उनको पूरा किया जाएगा। अनबॉक्सिंग भी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि काम के बीच में अगर ये पार्सल मुझे प्राप्त हुए तो एक चेक हो जाता है कि आपका कंटेंट आपको जो मिला वो सही मिला कि नहीं, इसी वजह से अनबॉक्सिंग कर पा रहा हूँ, वरना ये भी संभव नहीं था। तो आइए बिना देरी के इसको अनबॉक्स कर लिया जाए। तो ये बाहर जैसा एज यूजुअल हेलो बुकमाइन की तरफ से ये कवर हमको मिलता है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, रख दिया। फिर हमें ऐसे गत्ते का पार्सल मिल रहा है, बहुत अच्छी पैकिंग है, ये अच्छा कर रखा है इन्होंने। तो इसमें आपको गत्ते वाली प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, डेंट वगैरह नहीं पड़ते कॉमिक बुक्स पे। और दूसरी चीज़ क्या, आपको बबल रैप मिल जाता है। तो बबल रैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉमिक्स को बचाने में, प्लस वाटर प्रूफिंग एक सबसे बड़ी चीज़ है। आज के टाइम पे अगर पार्सल कहीं से डैमेज हो जाए, अंदर पानी भर जाए, तो जितना वाटर प्रूफ उतना अच्छा है, मॉइस्चर से बचाता है। हालांकि अब बारिश का मौसम काफ़ी हद तक जा चुका है, तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स हैं इसके अंदर। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, परमाणु, ओह याद आया, भूल ही गया था। परमाणु की जो शुरुआत की चार कॉमिक्स थी, उनकी शुरुआत की जो चार कॉमिक्स थी वो सेट मैंने ऑर्डर किया था। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स है, इसको कट कर लेते हैं, बिल वगैरह उसको रिमूव कर दिया जाए। और साथ में एक मैं आपको बता देता हूँ, ये मैगजीन मुझे कई बार प्राप्त हो चुकी है, इस वाले में मैंने ऑर्डर ऐड नहीं किया था। अब जब हम हेलो बुक माइंड पे जो भी ऑर्डर करते हैं उसमें फ्री गिफ्ट का ऑप्शन आता है। अच्छा, एक टाइम ऐसा था, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एक समय ऐसा था जब हेलो बुक माइंड पे ऑर्डर करते थे तो फ्री गिफ्ट का ऑप्शन मिलता था। उस फ्री गिफ्ट के ऑप्शन में जो है हम ऐड कर सकते थे चीज़ों को, जैसे कि मैगनेट स्टिकर 5-6 होते थे, उनमें से चूज़ कर सकते थे, या आर्ची या इस तरीके की जो कॉमिक्स बुक्स आती थी चूज़ किया जा सकता था। तो तब वो ऑप्शन अच्छा लगता था कि ये चूज़। आजकल क्या होता है कि पहले बोलते हैं कि आपने जो आपके कार्ट में जो आपने ऑर्डर प्लेस करा है उसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है चूज़ करिए, चूज़ में क्या होता है ये मैगजीन, तो इसलिए मैंने चूज़ ही नहीं की, ये पहले की पड़ी हुई दिखा रहा हूँ आपको। मतलब आप ऑर्डर करोगे तो पता लगेगा आपको, आपको बोलेंगे पहले इतना अच्छा फील होता है, आप जब ऑर्डर करते हो ना ग्रीन कलर का सिंबल आता है कि आप अपने फ्री गिफ्ट चूज़ कर लीजिए, और चूज़ क्या करना होता है, इस मैगजीन को उसमें ऐड करना होता है। आप ऐड कर दोगे तो वो गिफ्ट ऐड हो जाएगा। खैर, तो काफ़ी मैगजीन्स हो चुकी है, इसलिए इस बार मैंने ऐड नहीं किया, देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोवल्टी सामने आ ही चुकी हैं, तो देख लिया जाए इनको। परमाणु के कुछ स्टिकर्स हैं, पेपर स्टिकर, और काफ़ी बड़े स्टिकर लग रहे हैं ये देखिए, ये स्टिकर लगभग पूरी कॉमिक्स को कवर करता है। तो एक ये स्टिकर मिलता है, क्योंकि ये सारे एक साथ मिले, मुझे नहीं पता किस कॉमिक्स के साथ में कौन सा स्टिकर फ्री है, बट हाँ ये मुझे पक्का पता है कि ये जो चार कॉमिक्स हैं सुपर परमाणु के शुरुआत के, उसके साथ में ये चारों स्टिकर फ्री मिलते हैं। दूसरा स्टिकर है ये, विंटेज है, ओल्ड आपको स्मार्ट मिलता है, ओल्ड कलरिंग इसकी मिलती है, पर अच्छा लगता है ये जो स्टिकर्स हैं, देखिए काफ़ी बड़े स्टिकर हैं ये, काफ़ी बड़े साइज़ में, और ये स्टिकर देखे हुए लग रहे हैं। एक्चुअली संजय गुप्ता जी की तरफ से जो पहले कॉमिक्स आई हैं आतंकघाता की, जो 20 कॉमिक्स आई हैं या और भी अदर कॉमिक्स आई हैं, तो उनके साथ में इस तरीके के शायद एक या दो रिपीट हुए हैं स्टिकर, क्योंकि संजय गुप्ता जी का जो प्रकाशन है राज कॉमिक्स का और मनोज गुप्ता जी का वो कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं, तो उनमें एक दो का रिपीटेशन मिलना स्वाभाविक है। जैसे अभी जो हुहू सीरीज़ आई थी संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसमें भी हमको सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ स्टिकर मिले थे जो मनोज गुप्ता जी पब्लिश कर चुके थे। खैर, तो उनकी छोड़ते हैं फिलहाल। ये हमारे पास में चार कॉमिक्स हैं, और अब मैं आपको, पिछली बार मुझसे सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई थी, तो पहले मैं संख्या के हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ, तो मैं आपको सही सीक्वेंस बता पाऊँ जी। तो ये चार कॉमिक्स हैं सुपर परमाणु की शुरुआत की चार कॉमिक्स हैं। पहली कॉमिक्स का नाम भी है परमाणु, और इस सुपर हीरो का भी नाम है परमाणु, और मुझे नहीं पता इसमें आर्ट किसका है, देखना पड़ेगा अंदर से, शायद प्रताप मुलिक जी ने कवर बनाया हो। बस मैंने इसी वैल्यू के हिसाब से इसको मंगाया कि मुझे शुरुआत की कॉमिक्स पढ़नी थी परमाणु की या किसी भी सुपर हीरो की, क्योंकि राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरो अभी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। इससे पहले की अनबॉक्सिंग में मैं देखी भेड़िया की भी जो शुरुआत की कॉमिक्स हैं, तीन एक सीरीज़ है एक तरीके की, तो वो तीन भी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। तो ये भेड़िया की शुरुआत वाली कॉमिक्स हैं, डोगा की शुरुआती कॉमिक्स भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, भोकाल की शुरुआती कॉमिक्स भी मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ, कलेक्टर एडिशन में अनबॉक्स कर चुका हूँ। सेम तरीके से परमाणु की ये शुरुआती कॉमिक्स है। पहली कॉमिक्स देखते हैं क्या ये सीरीज़ में है, सेपरेट है, देख लिया जाए, क्योंकि हेलो बुक माइंड वगैरह पे कई बार क्या होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि पहला कॉमिक्स लोग खरीद खरीद कर आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और बाकी बची हुई रहती है।
तो अगर ये सीरीज़ ना हो तो परचेज़ की जा सकती है, और अगर सीरीज हो तो परचेज़ नहीं की जा सकती है। देख लेते हैं किन का आर्ट वर्क है इसमें। चित्रांकन चौहान कह रही है एक अलग ही आर्टिस्ट है उस समय के, तो यानी कि परमाणु पुराना सुपर हीरो है, और भेड़िया के जो कॉमिक्स मैंने आपको करके दिखाई थी, हालांकि उसका भी इतना कोई रेलेवेंस नहीं है, वो एक नया सुपर हीरो कहलाएगा। 1996 की कॉमिक्स थी उसमें दिखाया गया था, तो बेहतरीन आर्ट हमको देखने को मिला था। धीरज वर्मा जी का और राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग वगैरह देखने को मिली थी। परमाणु मतलब एक पुराना सुपर हीरो है, इससे ये साबित होता है। सुपर कमांडो ध्रुव के ग्रैंड मास्टर रोबो का हमको यहाँ पर एड मिल जाता है बैक कवर में 15 रुपये के साथ में। उस समय का ये एक इंट्रोड्यूस सुपर हीरो था, एक साधारण सा मुझे आर्ट लग रहा है, जैसा कि जो फाउंडेशन सेट आया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, शुरुआत की जो पुरानी कॉमिक्स होती थी बस वैसा ही आर्ट लग रहा है मुझे, कुछ खास नहीं लगा। मुझे अनुपम सिन्हा जी का आर्ट पसंद है, मनोज जी का आर्ट पसंद है, धीरज वर्मा जी का आर्ट पसंद है, प्रताप मौलिक जी का आर्ट मुझे पसंद है ओल्ड में। तो ये एक साधारण सा आर्ट है, इसका सिर्फ एक ही मुझे वैल्यू लग रहा है, वो है परमाणु की पहली कॉमिक्स होना, उस वजह से इसको मैंने लिया। कवर पे कहीं आर्टिस्ट का नाम मेंशन नहीं है। तो और एक और इसमें अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो है ये देख लीजिए, विंटेज एड हमको देखने को मिल जाते हैं। पर क्या सच में ऐसा हुआ होगा जब ये कॉमिक्स आया होगा, सेम वही एड इस जगह पे भी यहाँ पे भी मे भी हुआ हो एक, पर इसमें अच्छा ये है कि एक ब्लैक एंड वाइट है, दूसरा कलर्ड है, और इसमें कुछ विशेष देखने को नहीं मिलता है। और परमाणु की नेक्स्ट कॉमिक्स का इसमें ऐड देखने को मिल जाता है, वो है आग। देखते हैं भाई आग में कैसा आर्ट वर्क है, सेम ही है, कुछ इम्प्रूव हुआ है। वही हैं हमारे एच एस चौहान जी, खैर उस समय के हिसाब से ठीक है ये आर्ट वर्क, कलरिंग सेम सिंपल है। ओहो अब हम समझ गया, तो इतना कोई ज़्यादा अच्छा आर्ट वर्क है नहीं, इस वजह से ये सेट अवेलेबल था, और इसमें से ये इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि फर्स्ट कॉमिक्स की वैल्यू तो होती है कोई भी सुपर हीरो हो। उसी तरीके से 32 पेज की पूरी स्टोरी है। खास इसमें अगर मैं अनबॉक्सिंग या फर्स्ट रिव्यू की बात करूँ, फर्स्ट इंप्रेशन की, तो कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। बस ये है कि मैं आपको ऐड वगैरह दिखा सकता हूँ, नॉवल्टीज दिखा सकता हूँ, और उसके बाद में इसको पढ़ने के बाद में इसका आपको डिटेल रिव्यू दे सकता हूँ। तो सेकंड कॉमिक्स है आग, जो थर्ड कॉमिक्स है परमाणु का ओरिजिन का, वो है बुलेट प्रूफ। चित्रांकन वही हैं चौहान जी कर रहे हैं, खैर वो तो भी अच्छा लगता है मुझे तो, क्या चित्रकथाएँ मुझे काफ़ी पसंद है, उस लिहाज से मुझे ठीक लग रहा है, पर इतना कोई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा। और ये क्या एक सीरीज है, नहीं इसमें समाप्त लिखा हुआ है, पहला बार फिर से दिखाता हूँ, उसमें अपनी बात हुई थी पर मैं बोल नहीं पाया था, पहला जो कॉमिक्स है उसमें भी समाप्त लिखा हुआ है क्या, ठीक है मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब ये सेपरेट कॉमिक्स है, पढ़ा जा सकता है। लास्ट का जो कॉमिक्स है उसके पीछे एड है चैम्पियन किलर का, एड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए आगामी कॉमिक्स के इसमें एड दे रखे विंटेज, और ये सारे विंटेज एड हम देख चुके हैं। अभी जो नागराज और सुपर काउंटर के रिप्रिंट्स आए हैं, विशेषकर नागराज के, उन वो उसी समय के हैं, तो ये सभी एड जहाँ तक मुझे पता है हम देख चुके हैं, चाहे वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के प्रकाशन हो या राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के प्रकाशन हो। तो एड मुझे ज़्यादा बेटर लगे इन कॉमिक्स से। फ्रंट कवर इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उस समय में फ्रंट कवर्स पे काफ़ी मेहनत की जाती थी, और नागराज और अदर जो कैरेक्टर्स थे उसमें प्रताप मौलिक जी का हमको आर्ट मिलता था, हालांकि ये आर्ट मुझे प्रताप मौलिक जी का लग नहीं रहा, मे बी हो मुझे कहीं सिग्नेचर भी नहीं दिख रहे हैं, और मे बी ये चौहान जी का ही हो क्योंकि फ्रंट कवर के लिए अलग से एक ऑयल पेंट जैसा आर्ट बनाया जाता था। तो इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगा, शुरू की विंटेज वैल्यू के हिसाब से जो है ये फर्स्ट फोर कॉमिक्स हैं इन, और बाय द वे इनका प्राइस रखा गया है 70 रुपीज़। मनोज जी के प्राइस अब स्टेबल हो गई है, राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने 60 रुपीज़ प्राइस रखा था, और संजय गुप्ता जी कॉमिक्स हमको 75 रुपीज़ के साथ में देखने को मिली थी। संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स होती थी उनमें एक ट्रेडिंग कार्ड, एक स्टिकर हमेशा देखने को मिलता था नॉवल्टीज़, ये एक डिफरेंस आता था। तो राज कॉमिक्स में प्राइस बढ़ाने का श्रेय मैं संजय गुप्ता जी को दूंगा, नॉवल्टीज़ साथ में देने का श्रेय भी संजय गुप्ता जी को जाएगा, और उसको देख करके फिर प्राइस बढ़ाने का श्रेय हमारे मनोज गुप्ता जी की टीम को जाता है, हालांकि उन्होंने भी नॉवल्टीज़ दी, तो नॉवल्टीज़ दी हैं साथ में प्राइस भी इंक्रीज़ किया है। सुपर कमांडो ध्रुव का पहला सेट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी था, वो 60 रुपीज़ के साथ में विद स्टिकर आया था, और अब तो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अनस्टेबल लगती है मुझे, तो वो सीरीज़ के हिसाब से या रिप्रिंट के हिसाब से प्राइस रखते हैं, कभी कम भी होती है कभी ज़्यादा भी होती है, कई बार ओवर प्राइस भी हो सकती है कॉमिक्स, कई बार नॉवल्टीज़ अच्छी भी होती नहीं होती। पर एक बात मुझे अब तक समझ में आ चुकी है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स है पेपर बैक में बेस्ट होती है परचेज़ के लिए, वैल्यू फॉर मनी होती है, जस्टिफाइड प्राइस होता है, अच्छी बाइंडिंग, अच्छी पेपर क्वालिटी मिल जाती है, और कलेक्टर एडिशंस में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, कभी वैल्यू फॉर मनी होता है कभी वो नहीं भी होता है, मतलब पेपर बैक से आपको लगभग डबल से भी ज़्यादा प्राइस देखने को मिलता है, और नॉवल्टीज़ भी कई बार पेपर बैक में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप नागराज का विश्व रक्षण अगर आपने कलेक्टर एडिशन देखा हो तो उसमें जो 8 कॉमिक शामिल है वो 70-70 रुपये के साथ में आई थी, उनके साथ में नागराज के काफ़ी अच्छे एक्शन स्टिकर देखने को मिले थे, तो
तो उनके पेपर में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थे। तो इसी के साथ में मैं इस छोटी सी अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहिए, सभी का धन्यवाद। और जितनी भी मैंने अनबॉक्सिंग करी है मैं फिर बताता हूँ, सभी का मैं डिटेल भी लेकर के आऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। सहयोग के लिए सभी का आभार और धन्यवाद।